टॉपिक लिख लीजिए। तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा दुश्मन नहीं तो फोज। चलिए ये समझाते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, काफी ज्यादा मतलब हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है भैया बताओ? हम तो बोल रहे हैं कि हाँ भैया कुछ कुछ हम लोग के लिए क्या है, हार्मफुल है। हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है? क्योंकि उनसे हम लोग को क्या होता है, डिजीज होता है। क्या होता है? डिजीज होता है, ठीक है। हम में होता है डिजीज, नहीं डिजीज हम में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट्स को भी डिजीज होता है, एनिमल्स को भी डिजीज होता है। तो भैया ये सब क्या हो गया, हार्मफुल है तो हम लोग के दुश्मन ही ना कहलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पर डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए बायो में एक नया एक अलग वर्ड है, ठीक है। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज पैथोजेंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। अब आया समझ में पैथोजेंस क्या होता है? फिर से एक बार देख लो, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए क्या है, हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? क्योंकि इनसे डिजीज होता है। किसको डिजीज होता है? तो हम लोग को होता है, प्लांट्स को होता है और एनिमल्स को होता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण डिजीज होता है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं। क्लियर है? आर एस मच में? यस सर। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो हमारे फूड के साथ मिल गए, बीमार तो छोड़ दो, हमारे फूड को स्पॉयल कर देते हैं, खराब कर दिया। नहीं वो छोड़ दो, हमारे क्या करते हैं, लेदर, लेदर का जो सामान होता है ना, लेदर का जैकेट हो गया, लेदर का मतलब शू हो गया, वो सब खराब कर देता है। और तो और छोड़ो, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्लोथ्स को भी खराब कर देते हैं, उसके क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो बोलो ये दुश्मन है कि नहीं दुश्मन हमारा? आ रहा समझ में? हाँ। तो देखिए फिर से एक बार बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं? क्योंकि इनसे डिजीजेज होते हैं। कौन से, किसको डिजीज होता है? ह्यूमन को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज होता है उसको पैथोजेंस कहते हैं। तो हम बोले खाली डिजीज होता है सर, और तो कुछ नहीं होता है? बोले होता है। क्या होता है? तो बोले कि खाना हम लोग को बर्बाद हो जाता है, महक जाता है, खाना को बर्बाद कहता है। लेदर का कोई सामान है तो उसको बर्बाद कहता है, क्लोथ्स को खराब कहता है, ठीक है। और क्या होता है? और तो और छोड़ो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग का टीथ क्या है, एक जैसा नहीं रहता, एक साइज का नहीं रहता, आगे पीछे रहता है। तो इनके बीच में गैप रहता है, इस गैप में हम लोग का फूड पार्टिकल फंस जाता है। क्या होता है? इसके बीच में फूड पार्टिकल फंस गया। अब फूड पार्टिकल यहाँ फंस गया तो यहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है, अपना घर बना लेता है। कौन घर बना लेता है, ठीक है। और बैक्टीरिया यहाँ अपना घर बना लेता है, और बैक्टीरिया घर बनाने के यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करने लगता है, एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। और इससे क्या होता है, हमारे जो टूथ, जो दांत का व्हाइट वाला हिस्सा है जो दिख रहा है, आप लोग हंस रहे हो तो नहीं, या हम बोल रहे हैं तो मेरा व्हाइट वाला जो दिख रहा है वो टूथ है ना, मैल नहीं, और उसको सड़ा देता है। और हमारे जो टीथ रहते हैं, इस प्रकार के टीथ रहते हैं ना, इस प्रकार का टीथ, ऐसे मान लो ऐसे हम लोग के दांत के अंदर यहाँ घुसा हुआ मसूड़ा के अंदर, इसके अंदर गड्ढा कर देता है। ये जो गड्ढा कर देता है इसको कहते हैं हम लोग क्या, टूथ कैविटीज। क्या कहते हैं? टूथ कैविटीज। क्लियर है? ये क्या कर देता है? टूथ कैविटीज कर देता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ आते हैं, आ रहा है समझ में सभी को? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ हो जाते हैं, वाटर, पानी है ना, जहाँ पानी जहाँ रुका हुआ है वहां पर ये लोग जमा हो जाते हैं। और क्या कर देते हैं, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को गिरा देते हैं, ऑक्सीजन उसमें कम हो गया। अब बोलो पानी में जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे, टाइम टाइम फिश हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे। क्या समझ में आ रहा है? आया समझ हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण क्या होता है, डिजीज होता है, किसमें, ह्यूमन बींग्स में होता है, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है। ऐसे डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। इतना तो हो गया, डिजीज हो गया, इसके बारे पहले ही पढ़ चुके थे, फूड को स्पॉयल करता है, एडवर्स इफेक्ट होता है किसका, लेदर पर और क्लोथ्स पर, और एक बताया कि क्या होता है, कैविटी, दांत वगैरह में गड्ढा कर देता है, एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल। और ये क्या हो जाएगा,
विच इज हार्मफुल हो जाएगा ना, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, विच इज हार्मफुल टू द एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये हो गया हम लोग का, ये भी टॉपिक लगभग कंप्लीट।